सो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले 0 डिग्री के लिए देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, मीन्स sin 0 sin 45 की वैल्यू कैसे बनी है। तो सबसे पहले हम सपोज मान लेते हैं 0 डिग्री के लिए देखते हैं, तो उसके लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। और सर्किल में क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अगर हम इस वाली लाइन को, यानी इस वाली रेडियस को नीचे लेके आते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर और नीचे लाएंगे, फिर और कम हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे लाते जाएंगे हम लोग, क्या होगा, कम होता चला जाएगा, यानी पी जो है हमारा ओवरऑल 0 हो जाएगा। और जो हाइपोटेनियस है वो किस में मिल जाएगा, बेस में। मीन्स एच और बी यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, sin 0 डिग्री के लिए हम लोग अगर निकालते, तो फॉर्मूला होता है साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी है 0, एच ऐसे सेम छोड़ दो तो भी हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अगर ऊपर 0 है तो 0 मिलता है। सपोज कॉस के लिए देख लेते हैं, कॉस 0 डिग्री के लिए क्या होता है, बी अपॉन एच। यहाँ से हमको दिख रहा है कि बी और एच कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या मिलेगा, 1। अगर हम 10 को देखना चाहते हैं, 10 0 डिग्री क्या होता है बताओ, 10 जो होता है हमारा वो होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो पी है वो 0 है, और बेस तो सेम रहेगा, तो बी वैल्यू हमको 0 मिल गई। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज का यूज करके साइन कॉस टेन, यानी किसी की भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल फंडा है, आप इसको देख सकते हैं। सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं 90 डिग्री के बारे में। अगर हम 90 डिग्री के एंगल को देखें तो वो कैसे फॉर्म हुआ। तो जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा, उसको फॉर्म करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि अगेन हम वी विल ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ किया, ये रेडियस में ड्रॉ कर ली। अगर हम मानो यहाँ से ये है, ये लाइन है हमारी, अगर हम इस एंगल को 90 डिग्री अगर करना है, जैसे यहाँ हमने 0 करने के लिए इसको रिड्यूस किया, 90 डिग्री करना है तो हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, तो क्या हुआ, ये जो बेस पहले यहाँ तक था, अब बेस इतना रह गया, फिर लेके आए, फिर लेके आए, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये जो बेस है धीरे 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 डिक्रीज होता चला गया। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, 0, और पी और एच क्या हो गए, सेम हो गए, यानी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपस में मर्ज हो गए। तो ऐसे अगर हम sin 90 की वैल्यू देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोथ आर इक्वल, 1। सपोज cos 90 की देखेंगे अगर हम, क्या मिली हमको, cos में होता है बी अपॉन एच, बी 0 है, एच सेम रखा, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0। ऐसे 10 को देख सकते हैं, 10 90, 10 90 की जो वैल्यू होती है वो पी अपॉन बी होती है, पी ऐसे ही है, और वी क्या हमारा, 0। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट। क्लियर, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 45 की, 30 की, ये इस वैल्यू को देखते हैं हम लोग और किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसमें देखिए, ये भी बहुत इजी मेथड है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर 60 और 30 की वैल्यू के लिए देखेंगे, 60 और 30 की वैल्यू के लिए देखने वाले हैं, तो 60 और 30 की वैल्यू देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। सपोज ऑल साइड्स कितनी है हमारे पास, एक्स है। अगर ये इक्विलेटरल है, इट मींस इसको हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कर देगा, इसको मीडियन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x/2। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, क्या एंगल है, 90 डिग्री। अगर अभी पाइथागोरस की हेल्प से अगर हम इस वाली साइड को निकालेंगे तो ये निकलेगी x√3/2। और जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो ये एंगल हो जाएगा 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, और ये हाफ कितना होगा, 30 हो गया। तो यहाँ से हम 30 और 60 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं sin 60 की, तो 60 के लिए हमेशा फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, बेस, और द फ्रंट ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेनियस। तो यहाँ से क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x√3/2।
बाई टू, एच कितना है एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, नाउ वी गेट रूट थ्री बाई टू, दिस इज वेरी क्लियर। ओके दोस्तों, ऐसे साइन थर्टी की भी आप फाइंड कर सकते हैं। साइन थर्टी की फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, मीन्स एक्स बाई टू अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, नाउ वी गेट वन बाई टू। तो यहां से हमको वन बाई टू मिल गया। तो यहां से साइन कॉस टेन इसी तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेसिकली जो वैल्यू टेबल में लिखी जाती है वो यहीं से आई है। बहुत से लोग और तरीके बताते हैं, बट वो तरीके सही नहीं है। वो तो एक बच्चे को तरीके से रटाने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे बच्चा समझ जाए, बट आफ्टर ऑल उसको होता क्या है, टेबल रटनी ही पड़ती है, मतलब करनी पड़ती है। तो इससे तो अच्छा है कि हम उसके बेसिक को सीखें और आसानी से ड्रॉ करें। लास्ट में हम आप उसको याद करने का भी मेथड बताएंगे जो कि बहुत ईजी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 45 के लिए, 45 डिग्री के एंगल के लिए। 45 में क्या होता है, एक हम आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मीन्स दिस इज 90, दिस इज 45 और दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये हमको मिल जाएगा एक्स रूट टू। तो यहाँ से अगर हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या मिलेगी, साइन 45 के लिए क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेनियस या मीन्स एक्स अपॉन एक्स रूट टू, एक्स एक्स कैंसिल, नाउ वी गेट 1/√2। देखिए आगे वाली जो टेबल से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपके पास होगी बुक वगैरह तो सब चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम वैल्यूज आप फाइंड हो जाएंगी। और फिर उसके बाद होता है जैसे कॉस 45 की अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, बेस अपॉन, तो यहाँ पर भी बेस क्या है, एक्स अपॉन एक्स रूट टू, कैंसिल 1/√2। 10 के लिए देखना चाहते हैं, 10 10 40 का पी अपॉन बी होता है एक्स अपॉन एक्स, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑल वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो और इसको याद करने का तरीका भी बहुत ईजी है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है। दो ट्रायंगल याद रखिएगा और 0 90 की खुद याद करना है आपको, और क्योंकि वैसे भी आप लोग टेबल तो याद ही करते हैं, तो इसके लिए याद करने का बहुत बेसिक और अच्छा तरीका ये है कि सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम देखो एक ट्राइंगल 45 को याद करने का तरीका क्या है, लर्निंग मेथड है 45 के लिए, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो और इसको रूट टू ले लो सॉल्व करने पर। तो देखिए 1/√2 साइन की, 1/√2 कॉस की, 1/√2 टेन की, 1/1 किसी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से। ये 45 के लिए होता है। और अगर आपको 30 60 फाइंड करना है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐसे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिमाग में रखिएगा अपने अपने माइंड में रखिए इसको, और ये 60 डिग्री होता है, ये बताई दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको रूट टू ले लीजिएगा, अगर सभी साइड को टू टू कंसीडर करें तो ये टू हो जाएगा, ये भी टू है, पर हाफ कितनी हो जाएगी, ये यहाँ तक 1 हो जाएगी। देखिए 60 के लिए क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू रूट टू, सॉरी ये रूट थ्री है, रूट थ्री बाई टू हो जाएगी। साइन 30 की देखेंगे तो 1/2 हो जाएगी, 10 की, 10 60 की देखेंगे रूट थ्री हो जाएगी, 10 30 की देखेंगे तो 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ से ऑल वैल्यू यू कैन लर्न, और दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेथड। ओके, ये आपकी 10 में एनसीईआरटी में गिवेन होता है ये मेथड्स, पर बहुत कम टीचर ही आपको बताते हैं बेसिकली, लेकिन आपको यहाँ से ये सीखना पड़ेगा दोस्तों। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा मेथड है और आप इसको हमेशा याद रखिए, बेसिक है, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।